आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए लोगों के बीच पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उसी वक्त प्रधानमंत्री को रिमोट से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन मौजूदा समय में जनता के हिसाब से देश में कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को ये बात बिल्कुल पच नहीं रही है कि एक ओबीसी समाज के गरीब व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। आगे नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सतनामी वोट बैंक को बटोरने के लिए सतनामी समाज के गुरु बालक दास का जिक्र करते हुए कहा कि वो क्रांतिकारी गुरु थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमेशा सेवा की। ये भी समय देखा है, ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है, ये किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो ये विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है इनके लिए वही आगे बढ़ पाता है। मेरे परिवारजनों, भाजपा के लिए सामाजिक न्याय, सबकी भागीदारी का विकसित भारत के निर्माण का रास्ता हमारे पास पक्का रास्ता है। हाल में ही प्रधानमंत्री की स्वकर्मा योजना शुरू की गई, गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया, आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूड़ा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम। रेलवे को लेकर मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय बजट में रेलवे को 300 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उसे बढ़ाकर हमने 6000 करोड़ कर दिया। इसे कांग्रेसियों के पेट का पानी नहीं पच रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए थे। बताएंगे आज मोदी जी बिलासपुर आए हुए कैसे पहुंचे आप? अच्छा लगी से भैया, हम देखने के लिए आए हैं मोदी जी को, सामने में देखे हैं। क्या कहा मोदी जी ने आप लोगों? अब मोदी जी भैया महिला के लिए बहुत बोले है, हमका आगे बढ़ावो कहके कहे, गरीब आदमी के रक्षा करी कहके कहे है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भी बिलासपुर आए हुए थे, उसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? हम तो नहीं गए रहे भैया, हम मोदी भैया ला देखे आए हैं जी। बताएंगे छत्तीसगढ़ में आज? आज हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर आगमन हुआ, जो कि अति अद्भुत ऊर्जा के साथ भरा हुआ था, और यहाँ की जो भीड़ है वह देखने लायक थी। मैं कहता हूँ लाखों में की संख्या में लोग गांव-गांव से आए हुए थे, और जो प्रेम उनके प्रति लोगों का दिख रहा था और जो समर्पण दिख रहा था वह देखने योग्य था। हम लोग ने यहाँ सामने से भी और पीछे से दोनों जगह से देखा, तो देखा कि लोगों में जो मोदी जी के प्रति विश्वास है वह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया रंग लेके आएगा, और इसी आशा के साथ जय छत्तीसगढ़। बताएंगे प्रधानमंत्री जी आज बिलासपुर आए हुए हैं, आप लोग पहुंचे हुए हैं? हाँ, ये आज परिवर्तन महारैली का समापन था इस बिलासपुर, हमारे बिलासा की नगरी में, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज अपने भाषण दिया, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन की संभावना दिखती है, और निश्चित रूप से यहाँ फिर से एक परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार बनेगी। लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखने पहुँचे। बिलासपुर से अमित पाटली की रिपोर्ट।